खरगोन कुर्बानी के जज्बे के साथ ईद उल अजहा के पर्व पर रविवार को अल्लाह की इबादत में हजारों सिर सजदे में झुके। शहर सहित समूचे जिले में मुस्लिम समाज जनों ने ईद उल अजहा का पर्व परंपरागत रूप से मनाया। सुबह से ही मियामान मरकज में सुबह 6:10 पर, तालाब चौक में 8:10 पर और दारुल उलूम में 8:30 ईद उल अजहा की नमाज अदा कर खुतबा पढ़ा गया। सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर एक दूसरे को पर्व की बधाइयां दी। इसके बाद कुर्बानी का सिलसिला शुरू हुआ जो शाम तक जारी रहा। यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाएगा जिसमें इसी तरह दूसरे दिन और तीसरे दिन भी कुर्बानी का सिलसिला जारी रहेगा। मुस्लिम बस्तियों में आवाजाही के चलते ईद उल जुहा की रौनक दिन भर बनी रही। बकरीद के त्यौहार को लेकर जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे। बकरीद की नमाज अदा करने में किसी भी प्रकार का कोई खलल न हो इसे ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के आला अधिकारियों सहित पुलिस अमला पूरी तरह मुस्तैद रहा। यह कुर्बानी असल में हमारे पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। सहाबा इकराम ने जब हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी ये कुर्बानी क्या है, तो बताया गया कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, यानी उनका तरीक़ा है। इस्लाम में दो त्यौहार और दो ईद मनाने का हुक्म दिया गया जिसमें से एक ईद उल फितर है और ये दूसरी ईद उल अज़हा है। जी क्या संदेश हो गया आज यहाँ ईदगाह से जो है और ईद के खुसूसन ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के मौके पर जो है मुल्क के अंदर अमन अमान की दावत दी जाती है, भाईचारगी की दावत दी जाती है, हर एक को मिलजुल के रहने के साथ जो है दावत दी जाती है। यहाँ से ईद यानी जिसको ईद उल अज़हा कहा जाता है ये वो ईद है और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का मौका है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी दी थी और वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से एक दुम्मा भेज दिया गया था, इसलिए सारे मुसलमानों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं और हर मौके के ऊपर जो साहिब हैसियत है वो बकरे की कुर्बानी करते हैं। इस मौके के ऊपर ख़ास तौर से कुर्बानी अहम चीज़ होती है, इस मौके पर कुर्बानी बहुत अहम चीज़ होती है और इस पर भाईचारा और आपस में खुश दिली के साथ मिलना जुलना ये ख़ास पैगाम पहुंचाया जाता है। डिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट खरगोन। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज़ निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।